हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें पोलर फॉर्म एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो टॉपिक आज हमें स्टडी करना है वो आपके सामने है, ये हमने लिख के रखा है, इसको आज हमें स्टडी करना है। लेकिन आज का ये टॉपिक समझने के पहले आपको इसके पहले के वीडियो में हमने जो कुछ भी बताए थे वो पता होना चाहिए। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन बताए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे और उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए थे। वो पूरी जानकारी अगर आपको है तो आपको आज के वीडियो में हम जो कुछ भी बताने वाले हैं वो जल्दी समझ में आ जाएगा। वो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वो वीडियो लिंक हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। तो जैसा हमने बताए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से शो करते हैं। देखो यहां पे एक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म बता देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से शो करते हैं और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स प्लस आई वाई। एक्स इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वाई इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आई इज कॉल्ड द इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। और अब जैसा हम यहां पे स्टडी करने वाले हैं, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रेक्टेंगुलर फॉर्म को ही कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। यहां पे ये जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताया है x plus iy, तो हमेशा ध्यान में रखो, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x एंड y ये फॉर्म में अगर हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं या रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। देखो वही हमने यहां स्टेटमेंट में लिख लिया है। क्या लिखा है देखो, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेरिएबल्स x एंड y देन इट इज कॉल्ड एज कार्टेशियन फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा हमने कहा था, x और y ये वेरिएबल के फॉर्म में अगर हो तो उसको आप कार्टेशियन फॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, यहां पे कुछ हमने एग्जांपल लिख लिए हैं। देखो दैट इज z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, जो हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म बताए थे एक्स वाई के फॉर्म में वो ये है। अगर आप इसमें x और y की वैल्यूज पुटअप करोगे तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने है, दैट इज 2 प्लस आई 3, और ये दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है दैट इज 5 माइनस आई 8, ये भी एक कार्टेशियन फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस तरह से ये हमने स्टडी कर लिए, दैट इज कार्टेशियन फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो अब दूसरे फॉर्म की तरफ चलते हैं। दूसरा फॉर्म है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां हमने हेडिंग लिखा है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब पोलर फॉर्म कैसे पहचानना, तो जैसे कार्टेशियन फॉर्म में हमने बताए थे कि कार्टेशियन फॉर्म में एक्स एंड वाई आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, उसी तरह से पोलर फॉर्म में भी यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, वो है आर एंड थीटा। पोलर फॉर्म में आर एंड थीटा आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ठीक है, तो ये हमने यहां लिखा है इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज रिप्रेजेंटेड बाय आर एंड थीटा। देखो यहां पे मेंशन किया है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आर एंड थीटा के फॉर्म में अगर हो तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो यहां लिखा है देन इट इज कॉल्ड एज पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आर एंड थीटा आ गया तो समझना है कि उसको आप पोलर फॉर्म कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे अब हम ये समझेंगे कि पोलर फॉर्म अब ये तैयार कैसे करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म तो हमारे पास है, कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, चलो अब वो देखते हैं पोलर फॉर्म बनता कैसे है। तो यहां पर हमने लिखा है हाउ टू फाइंड पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म कैसे यहां पे निकालते हैं, तो उसके लिए आपको कार्टेशियन फॉर्म का यूज करना होता है। तो कार्टेशियन फॉर्म है हमारे पास, देखो हमने यहां लिखा है वी हैव जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, जो कि कार्टेशियन फॉर्म है एक्स वाई के फॉर्म में। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखिए इससे हम पोलर फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पे एक्स और वाई की जगह कुछ पुट करना है। क्या पुट करना है, देखो यहां पे हमने लिख लिया है पुट x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, x के जगह r cos थीटा ऐसा पुट करो और y के जगह r sin थीटा ऐसा पुट करो। तो देखिए x और y की ये वैल्यूज अगर आप इसमें पुट कर लेंगे तो क्या होगा, तो ये x के जगह आएगा r cos थीटा, देखो यहां पे आ गया। ठीक है, और ये y के जगह आएगा r sin थीटा, तो ये देखो ये आ गया r sin थीटा। अब आपको ये पूरे इक्वेशन में कॉमन क्या दिख रहा है, तो ये पूरे इक्वेशन में कॉमन है r का वैल्यू। तो देखो ये दोनों में से r जो है वो हमने यहां पे कॉमन ले लिया है और इसको हमने ब्रैकेट में रखा, तो देखो यहां पे ब्रैकेट में क्या है cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो फाइनली ये जो फॉर्म आपके सामने दिख रहा है यही है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, z इक्वल्स टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये है
दैट इज पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो इसके नीचे हमने देखो लास्ट में हमने यहां पे स्टेटमेंट में भी लिख लिया है z इक्वल्स टू r ब्रैकेट में है cos थीटा प्लस i sin थीटा इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब अगर आप यहां कोई अगर आप एक स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करेंगे, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्टैंडर्ड फार्मूला भी है जो हमने यहां पे मेंशन किया है। देखो क्या कहता है स्टैंडर्ड फार्मूला, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है e टू द पावर i थीटा का जो कि एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है। e टू द पावर i थीटा हमेशा होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है e टू द पावर i थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो हमने यहां पे क्या किया है, ये जो ब्रैकेट में जो यहां पे जो दिख रहा है cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसके जगह हमने ये फार्मूला अप्लाई किए तो इसके जगह आ गया e टू द पावर i थीटा। तो फाइनली यहां पे बन गया z का एक नया फॉर्म z इक्वल्स टू r e टू द पावर i थीटा। ये जो फॉर्म था, ये जो ऊपर का फॉर्म था, ये था पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके नीचे का ये जो फॉर्म है, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें ई आ गया, इसीलिए ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल। तो ये हो गया पोलर फॉर्म और ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें आर और थीटा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब है, तो आर को कहते हैं मॉडुलस और थीटा को कहते हैं आर्गुमेंट। देखो इसके बारे में हमने यहां पे लिख लिया है, देखो यहां पे लिखा है, ठीक है। तो यहां पे आर को क्या कहते हैं, तो हमने यहां पे मेंशन किया है आर इज कॉल्ड मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू। तो R इज द, हमेशा ध्यान में रखो, ये आपको कोई भी लेक्चरर या प्रोफेसर पूछ सकते हैं कि R और थीटा क्या है, तो आपको बताना है कि R इज द मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थीटा इज कॉल्ड द आर्गुमेंट। ठीक है, देखो यहां पे हमने थीटा के बारे में भी लिख लिया है, थीटा इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, थीटा को आप एम्पलीट्यूड कहेंगे तो भी चलेगा, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, और इसको कैसे शो किया जाता है, कैसे इसको लिखते हैं, वो भी आप समझ लो। देखो यहां पे आर के स्टेटमेंट के नीचे यहां पे लिखा है रिटन एज, आर को किस तरह से लिखते हैं, तो आर इज टू बी रिटन एज मॉड ब्रैकेट में एक्स प्लस आई वाई, या फिर आप इसको दूसरे तरह से ऐसा भी लिख सकते हैं, और में यहां पे हमने लिख लिया है, देखो ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, दैट इज मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और थीटा के फॉर्म की अगर बात करें तो थीटा को आप ऐसा लिख सकते हैं जैसा हमने कहा, थीटा इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थीटा इज टू बी रिटन एज ए एम पी, इट मीन्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, ए एम पी ऑफ एक्स प्लस आई वाई और ए आर जी, इट मीन्स आर्गुमेंट ऑफ एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, आप ए एम पी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए आर जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इट मीन्स एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ गए। अब ये थीटा और आर की वैल्यू क्या होती है, देखो आपको वो भी आपको बता देते हैं। तो आर की वैल्यू होती है, देखो यहां पे हमने लिख लिया है, आर की वैल्यू होती है दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आर की वैल्यू होती है। और थीटा की वैल्यू होती है दैट इज टैन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। अब आपके मन में आएगा कि आर की ये वैल्यू और थीटा की ये वैल्यू कहां से आई, चलो वो भी हम यहां पे एक्सप्लेन करके बता देते हैं, आपको ये बताएंगे कि आर और थीटा ये कैसे आया। तो सबसे पहले हम आपको आर का ये वैल्यू फाइंड आउट करके बताएंगे। ठीक है, आर का ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको एक्स और वाई का यूज करना है। देखो एक्स और वाई हमारे पास ऑलरेडी है, आपको क्या करना है, ये एक्स और वाई में स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करना है। तो देखो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करने के बाद क्या होता है, सबसे पहले ये जो एक्स है, एक्स को अगर आप स्क्वेयर कर लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। देखो स्क्वेयर करने के बाद एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू, ठीक है, हम दोनों को पहले स्क्वेयर करेंगे, एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू दैट इज आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, ये देखो ये जो x का इक्वेशन है इसको हमने स्क्वेयर किए तो ऐसा हुआ। अब ये y के इक्वेशन को स्क्वेयर करो, अगर आप y के इक्वेशन को स्क्वेयर करेंगे तो ऐसा होगा y स्क्वेयर इक्वल्स टू r स्क्वेयर sin स्क्वेयर थीटा। ठीक है, ओके हो गया, हमने दोनों को स्क्वेयर किए ऐसा हुआ। अब ये दोनों को ऐड करो, अगर आप ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो ऐड करते समय आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करो और राइट हैंड साइड के साथ ऐड करो, तो कुछ ऐसा होगा, दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्योर कॉस स्क्योर थीटा प्लस आर स्क्योर साइन स्क्योर थीटा। ठीक है, इस तरह से हमने देखो स्क्योरिंग एंड एडिंग कर लिए, एल एच एस प्लस एल एच एस ये हुआ, आर एच एस प्लस आर एच एस ये हुआ। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं करना है, राइट हैंड साइड में हमें सॉल्व करना है, तो ये ऐसा होगा एक्स स्क्योर प्लस वाई स्क्योर इक्वल टू, ये दोनों में से आर स्क्योर यहां कॉमन ले लो, फिर यहां पे क्या बचेगा, कॉस स्क्योर थीटा प्लस साइन स्क्योर थीटा, ऐसा बचेगा। ठीक है,
ओके। और अब आपको क्या करना है, यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज करना है। फार्मूला आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, तो इसके जगह 1 आ जाएगा। तो ये ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये आर स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे आ गया ब्रैकेट के अंदर 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। और अब यहां पे आर फाइंड आउट करना है, तो यहां पे स्क्वायर हटा दो, उसके लिए इसका अंडर रूट करना पड़ेगा। सो देयरफॉर आर इक्वल्स टू ये हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से आर का वैल्यू आपको मिलता है। ये देखो आर का वैल्यू कैसे मिलता है, ये हमने आपको यहां पर सॉल्व करके बता दिए। अब बचा है ये थीटा, कि ये थीटा हमने कैसे निकाले। तो थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। आपको y को x से डिवाइड करना है। तो देखो डिवाइड करने के बाद क्या होगा, वो भी हम आपको बता देते हैं। डिवाइड करने के बाद जब आप डिवाइड कर लेंगे, तो LHS by LHS, RHS by RHS ऐसा करना है। मतलब ये ऐसा देखो, y by x equals to r sin theta by r cos theta। हमने क्या किए, y को x से डिवाइड किए, तो इस तरह से बना। अब यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, r और r जो है वो कैंसिल हो जाएगा। देखो r और r कैंसिल होने के बाद यहां पे क्या बचा, sin theta by cos theta बचा। और sin theta by cos theta क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करो, sin by cos हमेशा tan होता है, तो इसके जगह हम tan theta लिख सकते हैं। तो अगर आप लिखेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो इतनी जगह है, इतनी जगह में आसानी से ये हो जाएगा, वाई बाय एक्स इक्वल्स टू इसके जगह आएगा, दैट इज टेन ऑफ थीटा। देखो इस तरह से, ठीक है, ये y बाय एक्स एज इट इज है, और साइन बाय कॉस के जगह हमने लिख लिए टेन थीटा। और अगर आपको यहां पे थीटा फाइंड आउट करना है, तो क्या करो, टेन को इधर शिफ्ट करो। जब आप टेन दूसरे साइड में शिफ्ट करेंगे, तो वो टेन इनवर्स बन जाएगा। तो फिर हम इसको ऐसा लिख लेंगे, थीटा इक्वल्स टू, अब देखो ये टेन को दूसरे साइड में शिफ्ट कर रहे, टेन इनवर्स हो गया, और टेन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स ऐसा बनेगा। देखो जैसा हमने कहा था कि थीटा की वैल्यू भी हम आपको फाइंड आउट करके बताएंगे, तो ये हमने आपको थीटा फाइंड आउट करके बता दिए। जो हमने यहां पे लिखा है वो थीटा ये ऐसा मिलता है, समझ में आया। तो फाइनली आज के वीडियो में हमने पोलर फॉर्म एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पूरी तरह से स्टडी कर लिए। उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी हमने आपको बताया है वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर जो भी हमने पॉइंट्स लिख के दिए हैं, जो भी फॉर्मूलेज लिख के दिए हैं, ये सभी आपको अपने नोटबुक में लिख के रखना चाहिए। आने वाले दिनों में जब हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ये सभी फॉर्मूलेज उसमें यूज होना है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।